सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली से पहले उनकी योग्यता तय करने के लिए TET की परीक्षा ली जाती है, जिसमें सरकार अब बदलाव करने जा रही है। नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं ई रेडियो इंडिया। शिक्षक पात्रता परीक्षा में कौन सा बड़ा बदलाव हो रहा है, इसे जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। प्राप्त जानकारी के अनुसार TET की परीक्षा में किया जा रहा बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत होगा और इसके साथ ही विभिन्न राज्यों में आयोजित होने वाले इस परीक्षा में एक रूपता लाने का प्रयास होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने मांगा जवाब। शिक्षक पात्रता परीक्षा में बदलाव को लेकर रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी संभाल रहे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने इसे लेकर विभिन्न राज्यों से पूर्व में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा का पूरा ब्यौरा 15 फरवरी तक मांगा है। वहीं इसके तहत इस परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के पैटर्न के अलावा परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों, सफल अभ्यर्थियों आदि की जानकारी निर्धारित प्रारूप के साथ ही परीक्षा को लेकर समय समय पर राज्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों के संबंध में भी जानकारी मांगी गई है। बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के चलते उठाया जा रहा है कदम। बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यह परीक्षा अब माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी होनी है और NCTE द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर नई गाइडलाइंस जारी किए जाने के बाद राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को अपनी नियमावली में बदलाव करना होगा। आपको बता दें कि शिक्षक नियुक्ति में NCTE की गाइडलाइन का अनुपालन करना अनिवार्य होता है। यह अनिवार्यता वर्ष 2010 में ही लागू की गई है। इसी नियम में अब कुछ संशोधन के बाद इसे नया प्रारूप दिया जा सकता है। उम्मीद है कि सरकार बेरोजगारी के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा के नियमों में बदलाव करेगी ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। इस तरह की खबरें पाने के लिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook, Instagram व Twitter पर फॉलो करें। शुक्रिया। ई रेडियो इंडिया प्रस्तुत करता है चुनावी चौपाल, चुनावी गतिविधियों के हर चाल पर गहरी नजर इन एसोसिएशन विद वैन इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी, दैनिक ग्रीन इंडिया, मीडिया वेलफेयर सोसाइटी।